यूट्यूबर कंचन धवन के लिए वीडियो बनाई थी, उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, बट जो है उसमें भी काफी लोग आ गए थे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बाहर हो रही है बारिश, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, ठंडा, लेकिन इससे जो है फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ठंडे मौसम की फ़िलहाल में कोई ज़रूरत नहीं थी, बारिश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इससे जो है फसल नष्ट हो जाएंगे एकदम। आप लोग देख रहे हैं मस्त जो है बारिश तो हो ही रही है, लाइट भी चले गई है और साथ में जो है बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं। और मैं लेटी हुई थी तो नींद नहीं आई मुझे। मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा यूट्यूब शूट कर लेते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। और 3:30 हो गए हैं, आज का ब्लॉग डाल दिया। किसी ने ना देखा हो तो देख लीजिएगा, जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं दरवाजे में खड़ी हूँ, मतलब बाहर वाले रूम में, तो यहाँ से दरवाजा सामने दिखता है और सभी लोग जो मुझे देखते हुए जा रहे हैं कि अकेले सामने क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही है। तो पागलों में गिनती आने लगी थी आजकल मेरी, क्या बड़बड़ बड़बड़ करी जाती है। हमें रोशनी नहीं आ रही है क्योंकि लाइट नहीं है। सारे कपड़े यहाँ पर डाल दिए हैं, सूखे नहीं थे क्योंकि आज धूप निकली नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम धूप निकली इसलिए। और काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है मेरी, बहुत से स्लो आवाज़ आती है। तो क्या है कि आसपास सभी लोग रहते हैं मतलब इस तरीके से, और मैं जो ज़्यादा ज़ोर से बात करती भी नहीं, मुझे चिल्ला के ही बात करने की आदत नहीं है, मतलब ज़ोर से धीमे ही बात करती हूँ। तो वैसे ही फिर मैं ब्लॉग में बोल देती हूँ, और फिर कभी कभी ध्यान रखती हूँ तो तेज़ बोल देती हूँ, भैया इधर से उधर नहीं घूमो पूरे दिन पानी में, सर्दी हो जाएगी। इनको देख लो कहाँ गए थे, बोल देंगे तो दिखा रहे तो खेल रहे हैं। बारिश आ गई है और बारिश में नहाने का मन है पर मम्मी ने मना कर दिया था। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर से, ठीक है। सो फैमिली, अभी मैं आप लोगों से मतलब फिर से मिल रही हूँ। मैंने सोचा था ब्लॉग बना लूँ बट फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, आप लोगों से बात करने के लिए आ गई हूँ मैं। जैसे कि आप लोगों ने कल का यानी कि शाम का वीडियो देखा है, उसमें मैंने जो है इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन के लिए वीडियो बनाई थी, उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, बट जो है उसमें भी काफ़ी लोग आ गए थे उल्टा सीधा बोलने के लिए कि रोती धोती रहती है, आप उनकी वकालत करने आ गई हो, क्या करने आ गई हो, मतलब उल्टा सीधा बोल रहे थे। कुछ लोग बोले अपना खुद का सॉलिड कंटेंट ढूँढो, तो दूसरे को कॉपी मत करो, दूसरे के ऊपर वीडियो बना के क्या मिलेगा आपको, तो कुछ नहीं मिलेगा। और जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, जो नहीं मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा, जो मिलना होगा वो भी मिल जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं सिर्फ उनके सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ। आज का उनने वीडियो डाला है जो, तो उन पर एक मैडम बोल रही है थोड़ा सा उनने मतलब मेकअप वगैरह कर लिया है और अजमेरा फैशन को लेके डाला है वीडियो। तो एक मैडम बोल रही है कि अच्छा नहीं लगता है और पीछे के बैकग्राउंड को जो है इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बाहर आज बारिश हो रही है तो बाहर कपड़े पड़े हुए हैं, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर सकती, मुझे ये वीडियो अभी पब्लिश करना है, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ वीडियो। तो अच्छा ही लगता अभी इस तरीके से क्यों सजने संवरने लगी हो, लोगों को मौका क्यों दे रही हो, और मतलब महीना भर भी नहीं हुआ है आपके साथ ऐसा हुआ, तो महीना भर भी नहीं हुआ हो चाहे जितने दिन हुआ हो, हमारे समाज में ऐसा होता है कि जिस दिन कोई किसी की भी डेथ होती है किसी के भी घर में या रिश्तेदारी में या पास पड़ोस में, तो लोग उसको जला के दफना के आते हैं और आके खाना खाने लग जाते हैं। नियम है संसार का, फिर औरतों के ऊपर ही क्यों सारे जो है रीति रिवाज थोप के रखे जाते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। ठीक है, वो अपना दुख हल्का कर रही है, खुश रहने की कोशिश कर रही है, तो रहने दो प्लीज़। आप लोग आके उनको जो है कुछ भी मत बोलो,
उनको जैसा अच्छा लगेगा वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कर लेंगे। आप लोग अपने आप में खुश रहो और बाकी का तो वो देख लेंगी, ठीक है। और काफ़ी लोग जो है वो बोल रहे थे, मतलब उनके वीडियो पे कमेंट आया था कि एक दिन और भी अभी मैसेज कमेंट कर रहे थे लोग कि अपने पति को पहले तो मार डाला, फिर अब जो यहाँ पे ऐसा काम कर रही है, ऐसी औरतों को तो मैंने कभी देखा नहीं है, फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो अगर आप लोगों को उनके जिनको भी उनके वीडियो पसंद नहीं है वो ना देखें प्लीज़, और जिनको पसंद है वो देख लें। वो किसी को पकड़ पकड़ के या सर पे बंदूक रख के नहीं बोलते हैं कि मेरे वीडियो देखो, जिनको पसंद है वो देख लें, जिनको नहीं पसंद है वो मत देखें। बट उनको जो है इस तरीके से डिसअपॉइंटेड मत करें, उनको इस तरीके से हर्ट करने वाली कमेंट मत करें। और फिर बाकी जितनी जिसकी जितनी परवरिश होती है, जिसमें जितना दिमाग होता है वो उतना ही काम करता है, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता है ना। जिसका जितना दिमाग होगा उतना ही काम करेगा वो, है ना। तो मुझे आज इतना ही कहना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। मैं सोच रही थी, वैसे हमारे यहाँ तो MP में UP में ऐसा होता है कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको जो है एक एक बिछिया चूड़ी और बिंदी पहना देते हैं, रंगीन साड़ी। तो इस तरीके से जो है प्लीज़ उनको परेशान मत करो। और फिर वो जब अपने पे आ गई ना, अभी वो शांत हैं, परेशान हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन वो अपने पे आ जाएंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। उनको मत परेशान करो, बहुत अच्छी है, अपने बच्चे को पाल रही हैं, खुश रहने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हैं। देख के इसी को कि इतना बड़ा दुख है फिर भी उन्होंने जो है इस तरीके से अपने आप को संभाला हुआ है। कोई और इंसान होता तो संभाल भी नहीं पाता, उन्होंने फिर भी संभाला हुआ है। तो मत करो परेशान। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, किसी से भी कोई भी जो है इस तरीके के उटपटांग मैसेज मत करो, उटपटांग कमेंट मत करो। बाकी फिर आप लोगों की जैसी परवरिश होगी, जैसे वो होगी, समाज में पता नहीं किस तरीके के लोग हैं, दोगलेपन के लोग हैं कि किसी के लिए किसी तरीके का वो है। अपनी माँ बहन या किसी के साथ ऐसा होता है तो दूसरा वो होता है, नज़रिया होता है, किसी दूसरे के साथ वो होता है तो दूसरा नज़रिया रखते हैं। तो प्लीज़ ऐसी दोहरी मानसिकता से बाहर निकलो, और इसलिए जो है औरतों को थोड़ा सा खुल के जीने दो। वो जी रही हैं, अच्छे से खुश हैं, तो आप प्लीज़ उनको परेशान, जैसा कि उनको ठीक लगता है, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। उनकी दादी की जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी है, अच्छे एजुकेशन की जिम्मेदारी है, उसको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी है, और घर भी चलाना है। बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, क्योंकि उनकी मम्मा घर पर है नहीं, दादी भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखी हैं। तो प्लीज़ उनको जो है परेशान मत करो, ठीक है। अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। चल मुझे इतना ही कहना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।